चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। एमपी विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है आज। 22 तारीख से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ था और आज इसी सत्र का चौथा दिन कांग्रेस चिट फंड कंपनियों के मामले में सरकार को घेरेगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी। 7 विधेयक भी पुनर्स्थापित करेंगे मंत्री। प्रश्नकाल से 5 पत्रों को पटल पर रखा जाएगा। नियम 138 के तहत 2 विषयों पर ध्यान आकर्षण होगा। ज्यादा जानकारी के लिए अंकुर जी का रुख कर लेते हैं। अंकुर जी, एमपी विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है और आज कांग्रेस चिटफंड कंपनियों के मामले में सरकार को घेरने के मूड में है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश विधानसभा का चौथा दिन है। निश्चित तौर पर कल जिस तरह से कांग्रेस ने हंगामा किया था डीजल पेट्रोल के बेट टैक्स कम करने को लेकर, तो आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस चिटफंड कंपनियों के मामले में सरकार को घेरेगी। इसके साथ साथ महंगाई और डीजल पेट्रोल के बेट टैक्स के मामले में एक बार फिर से सरकार को घेरने की तैयारी कांग्रेस की है। बीजेपी के ही विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया दिव्यांग बच्चों को कृत्रिम अंग समय पर सीमा में नहीं दिए जाने का मुद्दा भी उठाएंगे। निश्चित तौर पर राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। 7 विधेयक भी आज पुनर्स्थापित किए जाएंगे। सदन में विपक्ष बड़े महंगाई और तमाम चीजों को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए है। निश्चित तौर पर आज भी वो देखने को मिल सकता है। प्रश्नकाल में सभी 5 पत्रों को पटल पर रखा जाएगा। नियम 138(1) के तहत 2 विषयों पर ध्यान आकर्षण होगा। राज्यपाल आनंदीबेन के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी और शासकीय विधि विषय कालों के लिए 7 प्रस्ताव रखे जाएंगे। निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण दिन है आज का एमपी विधानसभा के लिए। इसके साथ विधेयकों को पुनर्स्थापित किया जाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी और कांग्रेस जिस तरह से हंगामा का शुरू से ही मूड बनाए हुए है, पहले दिन से ही बनाए हुए, आज भी हंगामा कर सकती है। निश्चित तौर पर चाहे वो डीजल पेट्रोल का दाम हो, चाहे चिटफंड कंपनियों का मामला हो, चाहे अन्य मामले हो, कांग्रेस भी हंगामा आज कर सकती है। जिस तरह से कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया था, तो आज भी कुछ इस तरह के हालात बन सकते हैं। जी अंकुर जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल, कांग्रेस के पास कई सारे मुद्दे हैं। जिस तरीके से पहले कह रही थी कांग्रेस की इस बार सरकार को घेरने के पूरे मूड में कांग्रेस नजर आ रही है। कल भी वॉकआउट कर दिया था और आज भी ये बजट विधानसभा का बजट सत्र है जो उसका चौथा दिन, और चौथे दिन भी काफी हंगामेदार रहने के आसार जिस तरीके से लग रहे हैं, क्योंकि आज भी कांग्रेस जो है चिटफंड कंपनियों के मामले में सरकार को घेरेगी और राज्यपाल के अभिभाषण पर भी कांग्रेस में नाराजगी देखी गई थी, तो आज उस पर भी चर्चा रहेगी।